नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। समाज में महिलाओं से छेड़खानी जैसे अपराधों के मामले में कम ही ऐसे मामले होते हैं जिनमें आरोपी को सजा हो पाती है, लेकिन रीवा में महिला के साथ अश्लील हरकत के एक प्रकरण में आरोपी को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई है। ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 2017 को शाम 6 बजे एक महिला अपने घर के पीछे के खेत से शौच क्रिया से वापस लौट रही थी, तभी वहां अरहर के खेत में एक पेड़ के पास आरोपी ललऊ कोल बैठा था, जिसने महिला को देखते ही उसके पास आया और उससे लिपटकर उसे खेत में पटक दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब महिला ने उसके खिलाफ रोते हुए गुहार लगाई तो आरोपी ने महिला का मुंह दबा दिया। जब उसने महिला को छोड़ दिया तो महिला ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और घटना की रिपोर्ट गोविंदगढ़ थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी ललव कोल पिता मीरा कोल उम्र 50 वर्ष निवासी सुपिया मऊहार थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा को उक्त मामले को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 354 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।